जानते हैं कायनात अदब बैंगलोर के जर तमाम आज नातिया मुशायरे का इनका अमल में आया है। बिना किसी ताकीर हम चाहते हैं कि आज के इस नातिया मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। तो सबसे पहले किसी भी जलसा या मुशायरे का आगाज हमारे अपने रिवायत के मुताबिक आयत कलाम रब्बानी से होता है। कुमारी में परवाज कर रहा हूं, जुनून शौक अंबाज कर रहा हूं। इलाही मेरे अकीदत की आबरू रखना कि तेरे नाम से आगाज कर रहा हूं। हम कौन मालिक तेरे जलवों का, मालिक तेरे जलवों का, हर सिंद नजारा है मालिक तेरे जलवों का। मालिक तेरे जाती है नबी
सिवा अंधेरे के कुछ भी यहाँ नहीं होता, ये नूर नबी आप जो मिलते जुमा नहीं होता, कोई थोड़ा भी किसी की असर नहीं रखती, दुरूद पाक जो मिलते जुमा नहीं होता, जो लोग इश्क मोहम्मद से बैर रखते हैं, जो लोग इश्क मोहम्मद हुकूमत हर कदम पर जिसने अपनाई है सुन्नत आपकी, हर कदम पर जिसने अपनाई है सुन्नत आपकी, देख लेगा कब्र में वो प्यारी सूरत मुमकिन ही नहीं आपके रुतबे का समझना, मुमकिन ही नहीं आपके रुतबे का समझना, इदराक से बाला है जहां नामे मोहम्मद हजरत ने अवैसे करनी को, अच्छा आशिक कहा हजरत ने अवैसे करनी को, रिश्ते का वसीला बने दंगान मोहब्बत, रिश्ते का वसीला बने दंगान मोहब्बत मोहम्मद, अल्लाह हरे उस दस्त मुबारक की सहावत, अल्लाह हरे उस दस्त मुबारक की सहावत, जाबिर के यहाँ देखिए फैजान मोहम्मद, जाबिर के यहाँ देखिए फैजान मोहम्मद, कलम की नोक पर लफ्जों के लश्कर भेज देता है, कलम की नोक पर लफ्जों के लश्कर भेज देता है, लिखूं जो हम्द तो रहमत की चादर भेज देता है, कलम की नोक पर लफ्जों के लश्कर भेज देता है, लिखूं जो हम्द तो रहमत की चादर भेज देता है, खिलौना है कभी मेरी सुबह पर हम्द की कलियां, खिलाता है कभी मेरी सुबह पर हम्द की कलियां, कभी मेरे लबों पर नाते सरवर भेज देता है, जिक्र हो खुशी में आज फितरत की सदाए
जमीन पर आमीना के घर में देकर आज जन्नत की, जमीन पर आमीना के घर में आज दिलकश जन्नत थी। शेखर पर जा कहां वो दूर का पत्थर, कहां वो दूर का पत्थर, कहां मेराज का मंजर, कहां वो दूर का पत्थर, कहां मेराज का मंजर। कलीमुल्ला क्या जाने क्या जंगलों में लताफत थी, कलीमुल्ला क्या जाने क्या जंगलों में लताफत है। थे सफर मेराज का अब मुसलसल एक हैरत है, सफर मेराज का अब तक अजब रफ्तार का आलम के हैरा खुद मसाफत थी। पुरस्कार जी पुरस्कार उसके बाद
यहाँ पर रियासती हुकूमत ने भी आपको उतने ही बड़े एजाज से आपसे नवाजा, ये हमारे लिए एक बाय फख्र है और दूसरों के लिए एक मुशल राह भी है कि अगर आप भी इस किस्म की कोशिश करें तो आप भी इतना के मुस्तक हो सकते हैं। फिर जहाँ तक आपकी गिरफ्त शेरों पर है, जिस तरीके से आप शेरों का इजहार करते हैं या शेरों पर अपनी राय पेश करते हैं वो काबिल स्वर्ग है, जिससे इस बात का पता चलता है कि आप की गिरफ्त अशार पर भी मजबूत है। अल्लाह ताला आपको और किस्म की से नवाजे, बहुत सारे इनाम आपको मिले। आपने जो खिदमत उर्दू जवान की है, दो बातें और कहकर मैं अपनी बात खत्म करना है। हुकूमत के साथ हुकूमत हमारे साथ जो नाइंसाफी करती है वो नाइंसाफी वर्षों से होती आई है, अभी हो रही है और आपके दौर में भी नाइंसाफी हुई। किसी को पर वक्त जो है इनाम से नवाजा नहीं गया अकेडमी की जानिब से, लेकिन अमजद हुसैन साहब ने अपने सबके हाथ से बहुत सारे लोगों को इनाम से नवाजा। उनके दौर में बहुत सारे अहबाब को की इज्जत अफजाई की गई, बहुत से शुरा को जिनको हुकूमत की पूछ कर भी नहीं देखा, ऐसे शुरा को आपने मदू किया, अपने देर से अपने पैसे खर्च करके जो है उनको इनाम से नवाजा है। बहुत बड़ा काम था जो आपने किया। रात नहीं की बात आती है अपने आप को एक खादिम बनकर सबके साथ जमा हो जाए। हमारे लिए गौरव है, पीछे के बाद गली बात करता नाम रखा है तो आपके वालिदैन ने छिनके रखा है, कभी कभी उसकी खुशियत हो जाती है, बड़ी बात है ना। अभी तो माशाल्लाह ये भी चंद दिन से हमारे दरमियान तो क्या हमने आपको देखे सैयद वैदी साहब, आप समझ सकते हैं वैदी क्या होता है। अब यही बहुत जितने इनका भी फैजान है कि हमारे मजमे में आकर थोड़ा हमें ताजगी पकड़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मकबूल फरमाए और इसके कायनात अदब के बात होती है से आपका जिक्र कैसे होते रहता है माशाल्लाह, क्या है हानि उनकी मिट्टी बना, ये भी बड़ी बात है। इस कायनात अदब के तमाम अरकिन दाग साहब से लेकर सुहेल साहब तक ने आपकी जबान चाहे लोग भी होती है, तमाम उर्दू अदब से मोहब्बत रखने वाले हजरात। नात कहने का मुझे बहुत शौक है, मैंने खासा 5000 अशार धर्मश्री के सल्लर पर बैठ के देखी सीखते लेके साथ तक लिखता रहा। शुरू करता हूँ वो हस्ती है आला में आजिज जबां हूँ वो कामिल बुजुर्गी पे लिखो मगर फिर भी हिम्मत ने कोशिश तो की है मेरे सामने लेकिन फौरन फौरन सिखाया किसने हमको मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, इन्हों भी चुराने की कोशिश की वो नबियों में रहमत लकब गाने वाला मुरादे गरीबों की बनाने वाला वो हमको सिखाया। शोरा ने ये नाम लिखना उतना आसान नहीं, अब सबसे पूछिए यहाँ ये बहुत लंबी तकरीर नहीं होती, अब उन्होंने खाने का ऐलान कर दिया, ये सबसे बड़ी मदद की। अब सदर नहीं बना, घर का बड़ा बेटा होना है सदर होना दो भी मुसीबत के काम, घर का बड़ा बेटा भी टेंशन राष्ट्र तक भी बैठकर। अभी चीज होती है कि कुछ कलाम भी सुना, मैं रुबाई सुनाना इसलिए कि इस वक्त एनसीपीएल ने मेरी 9000 रुबाई को प्रिंट किया, पूरे बर्रे सगीर की वाहिद किताब है और पाकिस्तान से भी शायद हुई है, एनसीपीएल ने गवर्नमेंट ने प्रिंट किया। अब उसमें सिर्फ दो रुबाई तो एक बरकतन तो सुनाते हैं रसूल अरबी को होता है। देखिए कि नात लिखना बहुत मुश्किल काम, मैंने मुझे मदीना यूनिवर्सिटी से बुलाया गया था कि नात के लफ्जियात
पर मैंने एक लिखा था, उस पर भी तर्जुमा हुआ, यूनिवर्सिटी को बुलाया गया, मैं छत पे गया माशाल्लाह, शायद सफर माशाल्लाह, और मुझे सिखाया भी गया कि कुछ कुछ चीजें बताई गई ना, कि कुछ चीजें होती हैं हम लिखते हैं लेकिन कुछ बात ऐसी बारीकियां होती जिससे हम रिसालत और तौहीद में फर्क ना होना चाहिए। रिसालत अपनी जगह है, तौहीद कभी कभी वो मिक्स हो जाता है, और नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन इतना कह सकता हूं कि वो नाप नाप नहीं रहती, नाप के माने और कुछ हो जाता है। देखिए कि हमारे अकाबरीन ने बहुत सी नाते लिखी, उनको पढ़े भाई, बहुत मुझे अकाबरीन के नाते याद आ रही थी, जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए खाका खींचते हैं, जबरदस्त खाका खींचते हैं, जैसे कि माहिर खादरी को देखिए, कुछ कुफर ने फितने फैलाए तो जुल्म छोले भड़काए, तीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया, कमजोर ताकत वालों ने जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ को संभाल दिया। अब यहाँ लिखते रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें बरगाई, इकराम अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसा, ये शायरी का अंदाज देखिए, एक नात के अंदर पूरी सीरत मिल जाती है, अदवार मिल जाता है। कहने के लिए जी बहुत चाहता है लेकिन हफ्ता वगैरह पे जाने वाले थे, लेकिन हफ्ता ने कहे हाँ अब ये मफूल मफाइल मफाइल फूल ला फल बता खुबा इल्ला बिल्ला। मैंने जब गुरबाई लिखते वक्त नहीं देखा मुश्किल फल नहीं आसान फल, ये कलम होता है जो कुछ भी हो दरकार बना लेते हैं, माहौल को हमवार बना लेते हैं, हम अहले कलम अपने कलम को हाफिज वक्त आए तो तलवार बना लेते हैं। अल्लाह की पहचान रसूल अरबी, अल्लाह की पहचान रसूल अरबी, इस्लाम का ऐलान रसूल अरबी, हर कौम का हर फर्द का दावा है यही, इंसाफ की मीजान रसूल अरबी, सामान है बख्शिश का फकत नाते नबी, सामान है बख्शिश का फकत नाते नबी, शायर हो तो फिर लिखना फकत नाते नबी, ये शब्द इबादत से नहीं है कुछ कम, पढ़ना या पढ़ा देना फकत नाते नबी। और एक बस रुवाई ले लीजिए, कम अज कम हक तो अदा करना है कि सरताप करम यानी रसूल अकरम, ये बहुत आसान है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सरताप करम यान रसूल अरबी, नबियों का करम यान रसूल अरबी, यानी कहे इस तरह कहे सरताप करम यान रसूल अकरम, नबियों का करम यान रसूल अकरम, सजदों से सजाते रहे काबा की जमीन, सजदों से सजाते रहे काबा की जमीन, दस्तूर हरम यानी रसूल अकरम। अल्हम्दुलिल्लाह आज शोरा को सुनकर बहुत खुशी हुई, अच्छा कलाम सबने पढ़ा, उलमा भी पढ़ते रहे, हाफिज साहब माशाल्लाह, उसके अलावा भी कई साथियों ने, मैं सबसे पहले कायनात अदब को मुबारकबाद देता हूं, इसलिए क्या रमजान करीब आ रहा है और कायनात अदब के, अरे दास साहब को कहां छोड़ते, कायनात अदब बोलते ही सब आ गया कबीला, खाजी साहब का घराना बोले तो पूरे आ गए, अरे घराना कायनात अदब है, उसमें दाग तो दाग है ही नहीं माशाल्लाह, कलाम ने बेहतरीन सुनाया, फला ने भी माशाल्लाह शमोगा से आकर कलाम सुनाया, और माशाल्लाह बहुत से शोरा जिसको आकर हमारे वहाब दानी साहब माशाल्लाह, आप तो आपका उर्दू अदब पर बहुत एहसान है, मैं आपको भूल नहीं सकता, वो मुशायरा मुझे याद है जिस मुशायरे में अनवर मीनाई भी बैठे थे और आप भी हम मिलकर बैठे, मुझे वो मुशायरे भी याद है, कई मुशायरे, आपका तमाम मुशायरा हमारे जानिब से ही हुआ, आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाइए, हम अपना काम करते रहेंगे, मोहतरम कोई अकाडमी की उम्मीद ना रखें, देखिए कि कोई हो, कोशिश तो पूरी जारी है, अब तो रोजाना नई नई चीजें नाम लेने की जरूरत नहीं, बनाई जा रही, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा, हम इस उलझन में लग जाए माइंड हमारा डाइवर्ट होते रहे, हम सिर्फ उसकी फिक्र करने में लग जाए, हुकूमत से सवाल ना करें कि नौकरी मत दो, फला मत दो, फला काम मत, कुछ नहीं, बस एक अपने अपने दमाग के महवर को बिगाड़ने की साजिश हो रही है, अब मैं किसी चीज को नहीं बोलता,
आज मदरसों की भी बात हो रही है, हम सब कोई स्टेटमेंट खामखा देने की कोशिश ना करें, खामोश खामोश रहे, खुद खुद खामोश। इंशाल्लाह उतना आसान नहीं है, वो जगह है जहां से कुरान जिंदा हुआ, वो ये जगह है जहां हदीस पढ़ाई, खाल अल्लाह खाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा जो है वो मदारिस है, हमारे इस्लाम के कारखाने हैं, हमारी फैक्ट्रियां हैं, उसी की देन है कि वहीं से हमारे सफर शुरू होते हैं। बस खामोश में दुआ करते रहे खामोशी के साथ। आज जिस मोहब्बत को न्यासा भी हमारे दरमियान सुबह में भी देखा था, ये लगता है इनका काम भी 24 घंटे का नजर आ रहा है, ये भी 7x24 दिखते रहते हैं, जहां दिखते हैं सुबह को जहां दिखते हैं शाम की वहीं भी दिखते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बड़े ये इसकी खुदत ये थे कि तमाम इसके अंदर जमा है, छोटी सी कुटिया दिखती है कि चंद लोग हैं, माहिरीन यहां जमा है, एक मदरसे के सबसे बड़े बुजुर्ग उस्ताद जमा है, ये समझिए कि एक से एक अब देखते हैं कि यहां से लेके वहां तक भी देखे बुजुर्ग हजरात बहुत नजर आ रहे हैं, लोग भी हमको देख रहे हैं बहुत दूर से, ये शफकतें देते रहिए, मोहब्बतें देते रहिए, बड़ी बात है कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, हम सब एकजहती का मजाहरा कर लेंगे, इंशाल्लाह वो दिन हमारा वापस आएगा। माशाल्लाह मैं जितना देख रहा हूँ बेंगलोर में, बेंगलोर वालों ने जितना साथ किया है उर्दू का और जिंदा है, उनको हफ्ते में कहीं एक मुशायरा होता है, 15 दिन में एक मुशायरा होता है, मैं तमाम तंजीमों को जितने तंजीमें हमारे काम कर रहे हैं अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उन्हें आबाद रखे, चेमू भी मत कीजिए, अरे वो अरे इसमें कुछ भी नहीं मिलता बेचारे को, शाम में सिवाय परेशानी को कुछ भी नहीं मिलता, शाम में नींद भी नहीं आती, हो सकता रात से किसका किसका क्या क्या है मालूम नहीं, हालात आगे हमें लगा होता ही मालूम, ऊपर शेरवानी जरूर है लेकिन अंदर परेशानी तो लाती है। बस आप लोग ताउन करें, जो भी देखिए किसी ने कहा अपने अपने बर्थडे को पैदाइश हमने कहा नहीं, बस ये वसूली शुरू करेंगे समझेंगे आप, मोहब्बत से दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत हूँ, कहीं पहले से करते आ रहे थे अपना दमा, मैं उनको भी बहुत हमारे जानिब से इसलिए कि मैं उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, डायरेक्ट खाने में लेके चले जा रहे हैं, मैं मेरे जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ऐसी कोशिश करें हम लोग सब मिलकर इंशाल्लाह इस तरह के बज़्म बनाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उलमा की कमी, हर सब आए उनको पैसे की जरूरत थी, अब उनको बस एक कम से कम सुनाने की जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, हम सुनाने हम आएंगे सुनाएंगे, बहुत सी चीजें सुनने की आपको है, मैं इंशाल्लाह मेरी क्या अभी जो किताब आई मेरे हाथ में नहीं मिली, मैं चाहता हूँ एक मरतब आपके हाथ में वो आप देखेंगे तो खुद बताएंगे, जैसे पेड़ ने उसे निकाला है बहुत खूबसूरत, दिल खुश हो जाएगा हमारा एहसास कि चलो कम अज कम आपके दोस्त अल्लाह ने वो बस अल्लाह का बख्शा हुआ कि एहसास है, मैं नहीं कह सकता काम करने का मौका मिला है, आज आप लोग आपके दरमियान आकर बड़ी खुशी हुई, एक आज हम एक आपकी में छोटी से चंद कलिमा की दुआ करके निकल जाइए, ये बज़्म सवाब से खाली नहीं, कोई कह देते कि बैठे जो बैठता है तो रुक पड़ता है, मोहब्बत से पड़ता है, उठने से पहले उसकी मकबूलियत भी हो जाती है, वो दरूद वही ना विर्द है, वो जिक्र है, आपने तमाम अल्लाह के जिक्र ऐसे तो गजलों को सुना आपने, लेकिन ये महफिल बिल्कुल अलग ही महफिल है, मैं आपका बहुत ही कायनात आदत को आज समझता हूँ कि नई करवट से ये बदम से एक दुआएं मिलते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इसमें उलमा भी हैं, अकाबरीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब दुआ करें हम सब मिलकर इस तरह के मोहब्बत रचाते रहेंगे, रबी अव्वल के मौके पर हम और भी इंशाअल्लाह अच्छा प्रोग्राम करेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया इंशाअल्लाह तमाम का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ, वमा अलैना इल्ला सलाम। ऐ अल्लाह तआला मुर्तजा सुल्तान और शफी तालबी साहब के भाई दोनों की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह हमारी आज की इस मंजिल जो नबी की की गई है, ऐ अल्लाह तमाम शुरका की नजात के लिए जरिया बना, ऐ अल्लाह हम सब शुरुआओं को आप तमाम जानते भी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में महफिलें सजती रहती हैं, आज की ये नातिया महफिल तमाम नातिया शोरा इकराम आप तमाम के दरमियान तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना अपना कलाम पढ़ा, कायनात अदब ने एक बेहतरीन महफिल सजाई, और इसके लिए तो कोई सरकारी ताउन नहीं है, आप ये समझें कि सरकारी ताउन है, कुछ साथियों ने अपनी मोहब्बत की जो कि राख कद्र जो आज अपने
कुछ ताउन के ज़रिए बेहतरीन उन्होंने कायनात अदब को एक हौसला दिया, जिसकी वजह से कायनात अदब आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। पिछले दिनों में भी इनके प्रोग्राम कायनात अदब के चलते आ रहे हैं। अभी रमज़ान आ रहा है, इस्तकबाल रमज़ान के तुफेल भी था, लेकिन अल्लाह का करम है, कम वक्त में एक दो तीन चार दिन पहले इन्होंने शायद तैयारी की, फौरन ये प्रोग्राम हो गया। शायर कोई शिमोगा से भी आए, कोई समझता हूँ कि रियासत कर्नाटक का एक बेहतरीन नातिया मुशायरा, नातिया मुशायरे होना चाहिए जिसमें लोगों में दिलों में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आप पर कितने भी प्रोग्राम, कितने तकारीर, उलमाए किराम के बहुत से तकारीर के प्रोग्राम होते हैं, सिलसिलावार मसाजिद के अंदर कितने प्रोग्राम उलमाए किराम करते हैं, लेकिन आज हर शायर ने अपने अलग अलग अंदाज में शायरी पेश की और सब ने अलग अलग बहरों में भी पेश की, अलग अलग बने फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़िल, एक बार मशहूर है, बहुत शोरा ने पढ़ा, एक मफूल फ़ाइलातु मफ़ाइलु फ़ाइलुन, इस वजन में भी किसी शायर ने पढ़ा, अच्छा लगा, अलग अलग हो। ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक कम नहीं है, इसमें कोई यूपी के नहीं थे, कर्नाटक में शोरा की कमी नहीं है, हम कहते हैं कि यूपी के शोरा ही हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ मकामी शोरा भी हैं। मैं कहता हूँ कि इस तरह के हमारे शोरा को हौसला दीजिए, ताकत दीजिए, हमारे पास शोरा की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको बुलाइए, उनको तालीफ़ कल्ब भी कम होगा, खर्चा वर्चा देना भी कम हो जाएगा, इलाके के लोगों में और बेदारी पैदा होगी। कुछ नौजवानों में देखिए, आज नौजवानों को बुलाया गया, ये नौजवान जो हैं इनको आप कौन ताकत देंगे? अब ये होता है कि अकेडमियाँ करती हैं, इतना अकेडमी अगर प्रोग्राम करती, मैं भी आपके सामने रह चुका हूँ, एक अकेडमी करने 1,00,000 रुपये खर्च होते हैं, इन्होंने 1,00,000 नहीं खर्च किया है, सादा सीधा प्रोग्राम, एक सेमिनार किया तो 5,00,000 रुपये, या सेमिनार तो तकरीबन 10-20,000 में हो जाता है, और वो भी साथी लोग बांट लेते हैं आपस में, ये बहुत बड़ी बात है। इस नात इस प्रोग्राम में हर किस्म के लोग थे। हम लोग बार बार कुछ अकेडमियों का नाम लेना छोड़ देना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कायनात अदब के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ानुल मुबारक से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश किए गए, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। कायनात अदब का इनेकाद 26 जनवरी 2021 को अमल में आया है। गुज़िश्ता साल जब यौम जम्हूरिया का मौका था, हमने कायनात अदब नाम की एक बज़्म की तश्कील की, जिसका मकसद ये है कि हमारे मुकामी सतह पर जितने उदबा शोरा मौजूद हैं सबको साथ लेकर चलें, सबको साथ जोड़ें और उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो हो सकता है वो करें। दूसरी बात यह है कि हम कायनात अदब के ज़ेर अहतमाम ये भी चाहते हैं कि उन लोगों की हौसला अफज़ाई हो, उन लोगों को तहनियत पेश करें जो गुमनामी में जी रहे हैं, अपनी खिदमत के बाद भी उन्हें उनका असला नहीं मिला है। ऐसे लोगों का इंतखाब करना, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो उर्दू ज़ुबान अदब का हो या फिर समाजी हो या तालीमी सतह, किसी भी मैदान में हो, ऐसे लोगों को हम इंतखाब करते हैं, उनकी तहनियत करते हैं, उनको अवार्ड से नवाजते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी तवज्जो टीचर्स पर होती है, तालीम देने वाले पर होती है। हम चाहते हैं कि बच्चों की नशोनुमा में उनमें किसी किस्म की कोताही ना हो। माली ताउन कैसे मिलता है आपको, क्या हुकूमत से माली ताउन मिलता है, कैसे काम सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है? देखिए, अभी एक साल पहले इस बज़्म का इनेकाद अमल में आया है, अभी हमने इसे रजिस्टर नहीं किया है। इंशाल्लाह हम चाह रहे थे कि रमज़ान से पहले रजिस्टर हो जाए, इंशाल्लाह अगर हो गया तो हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमने हुकूमत से कोई माली ताउन नहीं लिया है, अकेडमी से हो या दूसरी जगह। हुकूमत का मतलब तो अकेडमी ही होता है, दूसरा कोई इदारा तो है नहीं जो हमें मदद कर सके। हाँ, जो समाजी खिदमत गुज़ार हजरात हैं उन लोगों से हम राबिता करते हैं, छोटे छोटे अतियाजात लेते हैं उनसे और अपना काम बना लेते हैं। खतरे खतरे से जिस तरह दरिया होता है, उस तरह हम किसी किसी को कोई कोई ज़िम्मेदारी दे देते हैं और उसी के तहत हम प्रोग्राम्स करते हैं। आज के इस प्रोग्राम आज का ये प्रोग्राम
बड़ी ही जल्दी में हुआ है। दरअसल रमज़ान की आमद आमद थी, हम चाह रहे थे कि कायनात अदब का एक प्रोग्राम रमज़ान से पहले भी हो जाए। चूँकि आमद रमज़ान है तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हम गज़ल को ज़रा रोकते और नात को चुन लेते। नातिया मुशायरे का मकसद दीन की खिदमत ही होता है और दीन का फ़रोग होता है। जैसा कि मैंने कहा कि ख़त्म रसूल का ज़िक्र भी वजह नजात है, ये हमारे आखिरत का ज़रिया होता है। हमें नात नबी के ज़रिए सीरत नबी को फैलाने का मौका मिलता है। अदब के साथ साथ सीरत नबी को भी हम पेश करते हैं शोरा के अशार के ज़रिए से। तो ये मकसद था हमारा आज के नातिया मुशायरे का।